Singer Javed Ali recorded the song for Speed India Entertainment and HGV, after Afzal Shaikh will be seen in the video of producers Venkatesh Hegde and Sonu Pal. The recording of a beautiful song in the voice of famous Bollywood singer Javed Ali, who sang the song from Ajay Devgan's recent release film Maidan, was completed in Mumbai. The music of this song of producers Venkatesh Hegde and Sonu Pal has been composed by Kripal Singh, he has also written its lyrics. Actor Afzal Shaikh will be seen in its video. While talking to the media during the recording of the music video being made under the banner of Speed India Entertainment in association with Hema Global Ventures Private Limited, HGV, singer Javed Ali said that this is a very lovely song which was written beautifully by Kripal Singh and composed brilliantly. I congratulate and best wishes to its producers Venkatesh Hegde and Sonu Pal for making a good video. Composer Kripal Singh said that we all are extremely grateful to Javed Ali that by giving voice to this song, he has taken it to a different level. Producer Venkatesh Hegde said that with Sonu Pal we are making many music videos and many projects. This song is very beautiful and Javed Ali has made it even better by singing it. Actor Afzal Shaikh said that I am very happy and excited that my career in Bollywood is going to start with a song sung by Javed Ali. Producer Sonu Pal said that the video will be shot in May and there are plans to release it by June. The search is on for a beautiful actress opposite actor Afzal Shaikh. रिकॉर्ड जो बने हुए हैं सारे दौड़ेंगे सलाखें तोड़ देंगे हम दीवारें दौड़ेंगे मगर ये वादा है कि हम दिल नहीं तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे मजा आ गया सर सच बोलो सुनो आप बताइए जावेद सर के बारे में क्योंकि इनका गाने तो पता ही आपको मतलब जितना अच्छा गाते हैं ना उससे अच्छे भी इंसान है वो क्योंकि हमारा पहले और भी सॉन्ग कर रखे हैं मैंने लेकिन जावेद सर के साथ फर्स्ट सॉन्ग है इस गरीबाल जी ने इसको कंपोज किया है और लिखा भी उन्होंने ही है जी और मुझे बेहद पसंद आया ये गाना थैंक यू सो मच सर गाने के अंदर बहुत अच्छा एक डीप मीनिंग है और इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग और बहुत सारा पैथॉस भी है इस गाने के अंदर सो बाकी सब कृपाल जी बताइए क्या कहना चाहेंगे किस तरह का ये तो मैंने ये गाना नॉर्मली कंपोज किया था तो मुझे जब सर ने इस गाने को गाया ना तो मेरे पास जवाब नहीं है मजा आ गया मुझे हाँ बोलिए बोलिए एक बात बोलना जरूरी समझा और बोलना चाहिए था तभी मेरा कंपनी हेमा ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड स्पीड इन एंटरटेनमेंट्स वी आर मर्ज्ड एंड वी आर गोइंग टू डू ऑल द एल्बम एंड रेस्ट ऑफ द अदर वर्क टुगेदर इन फ्यूचर ओके ऑल द बेस्ट सर थैंक यू क्या कहना चाहोगे कैसे प्लानिंग हुई और वेंकटेश जी के साथ क्या वेंकट जी से मैं 2015 या 16 से वहीं फ्रेंडशिप है और बहुत टाइम से हम लोग प्लानिंग तो कर रहे थे तो अब जाके ये चीज़ मतलब सक्सेस हुई है इतना साल का इतने साल के दोस्ती में अभी काम करना चालू शुरू कर रहे हैं हम लोग ये पहला वाला हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है मेरा इनके साथ इनका तो बहुत कुछ कर रहे हैं वो ऑलरेडी मेरा कंपनी इसी वजह से मर्ज करके इनके साथ पहला वाला प्रोजेक्ट है मतलब 2016 से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे अब जाके वो चीज़ आ रही है तो बहुत लंबी मतलब 2016 से यस तो आगे भी इन फ्यूचर में हम लोग का कुछ बड़ा प्लान है लाइक मूवी वेब सीरीज और अफजल हमारा आने वाला सुपरस्टार है इस बॉलीवुड में आप सबका प्यार चाहिए सपोर्ट चाहिए और बस ऐसे ही प्यार बना के रखो प्यार और आशीर्वाद आशीर्वाद इम्पोर्टेंट है चॉइस तो कुछ ऐसा नहीं था बट कृपाल जी से गाना कंप्लीट होने के बाद में तो पहली बात हम लोग डायरेक्ट कृपाल जी ने बात किए थे जावेद सर से डायरेक्ट फर्स्ट मुलाकात उनसे हुआ देन हम लोग उनसे ही किया डायरेक्ट अभी द फर्स्ट इज ऑलवेज द फर्स्ट राइट द बेस्ट तो फर्स्ट इज ऑलवेज द बेस्ट वही तो गाना बहुत अच्छा है हमें मतलब जितने लोगों को मैंने सुनाया है जो मेरे मतलब लगना चाहिए इसको सुनाना चाहिए
तो उन्होंने बहुत तारीफ की गाने की. मीनिंगफुल सॉन्ग है, मीनिंगफुल सॉन्ग है, अच्छा है. गाना जून तक रिलीज हो जाएगा. यस, जून तक हो जाएगा, रिलीज हो जाना चाहिए. प्लानिंग हमारी वो है, मई एंड नहीं तो जून फर्स्ट सेकंड वीक.